कौमी क्रिकेट टीम के ऑल राउंडर शुएब मलिक की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जानकर आप भी अबदीदा हो जाएंगे। जबकि जब शुएब मलिक की कौमी स्क्वाड में जगह बनती है या नहीं और मोहम्मद यूसुफ दौरे इंग्लैंड के लिए क्या करने जा रहे हैं, आज की जेर नजर वीडियो में आप जो को इसी बारे में बताएंगे। मगर मजीद तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप इस अपडेट के मुताबिक अपनी राय का इजहार जरूर करें। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और ऑल राउंडर शुएब मलिक अपने मरहूम वालिद को याद करते हुए गमजदा हो गए। सामाजिक रابطے की वेबसाइट ट्विटर पर 39 साल शुएब मलिक ने अपनी एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो अपने वालिद की कब्र पर हाजिरी दे रहे हैं और हाथ उठाए उनके लिए दुआएं मगफिरत कर रहे हैं। शुएब मलिक ने अपने ट्वीट में लिखा कि मेरे वालिद, मेरे हीरो, मेरा चमकता हुआ सितारा, काश आप मेरे साथ होते। अबू जान, आपका बेटा आपको बहुत याद कर रहा है। साबिक कप्तान के रंजीदा ट्वीट पर बुदाओं की बड़ी तादाद उन्हें हौसला देती हुई नजर आई। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान टेस्ट टीम के खिलाड़ी नेशनल स्टेडियम में 3 दिन से वेस्ट इंडीज की तैयारियों में मसरूफ है। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ अपना तजुर्बा बैट्समैनों को मुंतकल करने के लिए कोशा है। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास ने कहा कि शाहनवाज दानी और नसीम शाह के आने से फास्ट बॉलिंग का शुबा मजीद मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि वेस्ट इंडीज में अच्छी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करूंगा। कराची में तरबियती कैंप से कारकर्दगी में बहुत फायदा हुआ। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि वेस्ट इंडीज की सीरीज चैलेंजिंग होगी और अगर पाकिस्तानी मौजूदा टीम को देखा जाए तो यकीनी तौर पर इनमें शुएब मलिक की कमी पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तानी शायकीन महसूस कर रही है। उम्मीद है दोस्तों कि आज के मुख्तसर वीडियो भी आप भाइयों को पसंद आई होगी।